अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ईस्ट प्रोजेक्ट मॉड्यूल 3 के आखिरी यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 6 के फाइनल क्विज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उम्मीद है इस वीडियो में आपके फाइनल क्विज़ के अंदर अपीयर होने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास इस लिस्ट में मौजूद है, जो कि आपको आप अपने यूनिट नंबर 6 के फाइनल क्विज में देखने को मिल सकता है, स्टेटमेंट कुछ यू है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हाउ कैन यू यूज़ द रिव्यू सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट बुक टू असेस ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो आपने ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन पर टैप करना है वो है फॉर बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, लर्नर्स नीड फीडबैक ऑन हाउ दे यूज़ ग्रामर एंड वोकेबलरी व्हेन दे स्पीक एंड राइट। तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू पर टैप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, When speaking or writing, learners need feedback on how well they are communicating their message as well as how accurate their use of grammar and vocabulary is. True or false? Select one. तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू पर टैप करेंगे। जल्दी से मूव करेंगे हम अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज ट्रू अबाउट डिलेड एरर correction। तो इसमें हम राइट ऑप्शन जो होगा, इट कैन सपोर्ट लर्नर्स एज इट डजंट इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन एंड मीन्स एरर्स कैन बी डेल्ट विद अनोनिमसली। तो इसमें हम अपने इस स्टेटमेंट को एज अ राइट आंसर टैप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रामर एंड वोकेबलरी एरर्स शुड बी एक्सपेक्टेड, दे आर अ साइन ऑफ लर्निंग एंड लर्नर्स कैन लर्न फ्रॉम देम। ट्रू और फॉल्स? इस स्टेटमेंट को हम ट्रू पर टैप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, लर्नर्स नीड फीडबैक ऑन हाउ दे यूज ग्रामर एंड वोकेबलरी व्हेन दे स्पीक एंड राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, चाहे वो बोलें चाहे वो लिखें, उन्हें फीडबैक की जरूरत होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट्स आर द ओनली वे टू असेस लर्नर्स ग्रामर एंड वोकेबलरी, सेलेक्ट वन। तो सिर्फ टेस्ट जो होते हैं उसी की मदद से ही हम असेस नहीं कर सकते, ओनली की वजह से इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स पर टैप करेंगे। तो जल्दी से मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अ लर्नर इज स्पीकिंग एंड यू कैंट अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बिकॉज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी मिस्टेक्स, व्हाट काइंड ऑफ एरर करेक्शन शुड यू यूज। तो इसमें हम डिलेड को करेंगे सेलेक्ट, यानी कि नेवर इंटरप्ट लर्नर्स व्हेन दे आर टॉकिंग। बच्चों को टॉकिंग के दौरान आपने इंटरप्ट नहीं करना और बाद में उसकी करेक्शन करनी है एरर की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ गुड कम्युनिकेटिव एक्टिविटी विल रिक्वायर लर्नर्स टू यूज लैंग्वेज सिमिलरली टू हाउ इट्स यूज्ड डैश। तो इसमें हम इन रियल लाइफ पर एज अ राइट ऑप्शन टैप करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन प्लेइंग गेम्स लर्नर्स ऑफन हैव टू रिकॉल इंफॉर्मेशन डैश विच इज गुड फॉर देयर मेमोरीज। इसमें हम क्विकली पर टैप करेंगे एज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द टीचर शुड ओनली करेक्ट एरर्स विच हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द कोर्स। तो इसमें हम स्टेटमेंट को एज अ ट्रू सेलेक्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द टीचर शुड डिस्करेज लर्नर्स फ्रॉम यूजिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम प्रीवियस लेसन, सेलेक्ट वन। तो इस स्टेटमेंट को हम एज अ फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। मेरी कोशिश थी वीडियो को छोटे से छोटा रखूं, और अगर आपको इस वीडियो से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको इस वीडियो से नहीं मिला तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।